हेलो 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 कौन टू कॉल इज़ नॉट नमस्कार आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी आज हम बात करेंगे कॉल ड्रॉप्स की बहुत सारे लोग देश भर में परेशान हैं और आज हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ इकट्ठा किया है और हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉल ड्रॉप से क्या हम बच सकते हैं इस समस्या का निदान हो सकता है क्या ये एक ऐसा सपना है जो हम देख रहे हैं लेकिन कभी सच नहीं हो सकता या फिर कुछ कदम उठाए जाए तो ये किया जा सकता है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले आधे घंटे हाँ कौन हेलो हेलो इज नॉट हेलो अब बात करते हैं नो कॉल ड्रॉप्स की आई बी एन सेवन की मुहिम की यानी बात नहीं तो कॉल कैसी सवाल यह है कि जब हम पैसे पूरे देते हैं तो बात अधूरी क्यों रह जाती है कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात दिलाने की पहली जिम्मेदारी टेलीकॉम कंपनियों की है अब तक ये कंपनियां स्पेक्ट्रम की कमी का बहाना बनाती आ रही थी लेकिन अब सरकार ने एक नए फॉर्मूले से वो समस्या भी खत्म करनी शुरू कर दी है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने उस पर कई सवाल उठाए वो कह रहे हैं कि ऐसे कई कदम उठाए जा सकते हैं अगर सरकार उन पर ध्यान दे हमारी बात सुने तो हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं हम बेहतर काम कर सकते हैं जहां तक सरकार का सवाल है सरकार ये बिल्कुल साफ साफ तौर पे सेल्युलर कंपनीज को कह रही है कि ये आपकी जिम्मेदारी है उपभोक्ता को कंज्यूमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए एक ट्रक ड्राइवर से लेकर चाहे वो एक प्रोफेसर हो चाहे वो कोई डॉक्टर हो चाहे इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर रहा आदमी हो सबके लिए बेहद जरूरी है कि कॉल ड्रॉप्स ना हो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है मैं सबसे पहले डॉक्टर टीके जोशी आपके पास आ रहा हूं जो सेलफोन टावर के बारे में कई अलग अलग तरह की बातें हैं तो आपसे ही समझना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई सेलफोन कंपनी कहती है कि मैं टावर लगाना चाहती हूँ तो आप अपने घर के बच्चों को क्या कहेंगे ये सेफ है कि नहीं है अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के गाइडलाइंस के मुताबिक उसका माउंटेक हुआ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं मैं सम, और मैं समझता हूँ उस हालात में क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ऑलरेडी वन टेंथ हैं डब्ल्यू स्टैंडर्ड से तो आ, मैं इसको समझूंगा सेफ है अच्छा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया हुआ है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर उस टावर से सिग्नल्स जाने चाहिए जो फिक्स्ड है उसी के अंदर रहे तो कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल लेकिन जब आप ये कह रहे हैं तो आप साथ में कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि आपको डर है कि सेलफोन कंपनी उसका पालन करेगी कि नहीं आ, उसके लिए इतनी हैवी पेनल्टी है कि मैं समझता हूँ सभी पालन कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग है मेरे पास कुछ डेटा भी है जो राजस्थान में है कि जो पॉइंट फोर फाइव वाट या फोर फिफ्टी मिली वाट पर स्क्वायर मीटर का एक्सपोजर स्टैंडर्ड है तो जो मॉनिटरिंग हुई ज़्यादातर उसके रिजल्ट जो हैं सौ मिली वाट के नीचे आए हैं इसका मतलब है कि हम वन टेंथ स्टैंडर्ड तो वैसे ही कम है और उसके भी आप ये है तो उ, उस एक्सपोजर सिनेरियो में एक्चुअली इसमें समझने की बात यह कि सारा एनवायरमेंटल हेल्थ का इश्यू हेल्थ रिलेटेड नहीं है एक्सपोजर रिलेटेड है तो यही बात लोगों को समझनी चाहिए कि अगर एक्सपोजर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सपोजर ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है ये एक है। आम आदमी की भाषा में समझाइए थोड़ा सा हाँ। मेरे घर के पास टावर समझेंगे हाँ। अगर तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मेरे घर में बच्चे और मेरा परिवार पूरी तरह से सेफ से है बहुत अच्छा सवाल है कि एंटीना से डिस्टेंस कितना है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो टावर से नहीं है प्रॉब्लम एंटीना से डिस्टेंस की है एंटीना से रेडिएशन होता है और ये इस चीज को साबित भी किया हुआ है डब्ल्यू का ये स्टेटमेंट है कि जो टीवी है आपका उससे उसका जो एक्सपोजर है या टीवी से जो रेडिएशन निकल रहा है और ट्रांसिशर से वो बेस आवर के मुकाबले फाइव टू टेन टाइम्स मोर है तो अब आप टीवी वी नहीं देखेंगे तो कैसे काम करेंगे ठीक है तो यानी आप कह रहे हैं कि नॉर्म्स में दो बातों का खास ख्याल रखना है जी। एक ये कि फ्रीक्वेंसी एक लेवल के आगे ना बढ़े बिल्कुल सरकार पहली उसे तय कर चुकी है उस पर बड़ी पेनल्टी है जी बहुत हैवी पेनल्टी है तो वो सेलुलर कंपनियां करेंगी तो उनको उससे घबराना घबराना चाहिए क्योंकि वैसा करने पर उन्हें बहुत बड़ा पैसा सरकार को देना होगा बिल्कुल दूसरी बात आपने जो कही कि एंटीना से दूरी होनी चाहिए जो मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए देखिए पच्चीस फीट अगर डिस्टेंस है एंटीना से तो आप उसको सेफ रिगार्ड कराएंगे से दूर होना चाहिए 8 से. Meters, से, टावर की बात नहीं हो रही बात एंटीना की है एट मीटर ट्वेंटी फीट फ्रॉम द एंटीना वी तो अवेयरनेस ये जागृति होना बहुत जरूरी है लोगों को पता आपने कि दो बातों का ख्याल रखें हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने ये बातें बताई क्योंकि मैंने इतनी सारी तरह-तरह की बातें सुनी थी आपने साफ कर दिया शुभी मैं आपके पास आ रहा हूं ये बताइए कि जो आम कंज्यूमर है जब उसका कॉल ड्रॉप होता है तो उसको किस-किस तरह से नुकसान होता है आकाश बहुत बड़ी मुहिम है ये और पहले तो मुबारकबाद आपके चैनल को कि आप इतने शिद्दत के साथ इस, इस इशू को उठा रहे हैं बहुत सारे नुकसान है आप अगर कहीं पूरे पैसे दें और आपको सामान एक चौथाई मिले तो आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी दिखाएंगे दुकानदार को बोलेंगे और ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल होगा टेली भी सर्विस है और एक प्रोडक्ट है आपने बहुत तरीके के एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखे होंगे जो कह रहे हैं हमारा फोर नेटवर्क सबसे ज़्यादा तेज़ है इससे तेज़ अगर कहीं मिला तो हम आपको लाइफ टाइम बिल फ्री करेंगे आपने कॉल ड्रॉप के लिए ऐसा कोई भी संभावित एडवर्टाइजमेंट या कोई भी संभावित प्रॉमिस नहीं देखा दिक्कत ये एक है कि तो आपने पहली बात तो यही कही कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरी नहीं कर रहे और जो जहां प्रॉमिस करना चाहिए वहां तो प्रॉमिस कर ही नहीं रहे यानी सेलफोन कंपनियां उपभोक्ताओं को उनके हक के तौर पे जो चीजें मिलनी चाहिए पैसे देने के कारण वो नहीं दे रही हैं आज आकाश में जो मुद्दा है उसके कोर पे जा रही हूँ और वो प्रॉमिस इसलिए नहीं कर रहे डेटा के लिए कर रहे हैं और टेलीकॉम के लिए इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वही स्पेक्ट्रम है चाहे वो डेटा को प्रायोरिटाइज करेंगे या वॉइस को करेंगे हर नियत हर नॉर्म हर एथिक ये कहता है कि आप वॉइस को प्रायोरिटी दे क्योंकि अब रेवेन्यूज डेटा पे ट्रांसलेट हो रही है पूंजीपतियों ने ये देखा कि कहा मुनाफा ज्यादा है ये कंज्यूमर आवाज नहीं उठाएगा तो आप अगर पर सेकेंड बेसिस पे अपना कॉल प्लान बदलते हैं तो हमेशा कॉल रेट महंगे पड़ेंगे आपको और अगर आप नहीं करते तो एक सेकंड के बाद जिस आपको जिस साठ सेकंड मिलना चाहिए वो कॉल ड्रॉप हो जाती है दिक्कतें दो तरीके से आगे एक कॉल किया और चार बार मेरा कॉल ड्रॉप हो गया जी तो, तो सेलफोन कंपनी मुझे कैसे चार्ज करती है तो आपका जो कॉल है वो चार्ज हो रहा है पर मिनट बेसिस पे क्योंकि आपने उनके डेटा पैक्स जो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है वो ऑप्ट नहीं किए हुए आपने 60 सेकंड के पैसे दिए आपको प्रोडक्ट मिला सिर्फ दो सेकंड का तीन सेकंड का चार सेकंड का दूसरी बात अगर कोई आप इंपॉर्टेंट मोमेंट पे है आप कोई डील क्रैक कर रहे हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है और कॉल ड्रॉप हो रही है तो आपकी थ्रेट टू लाइफ भी हो सकती है थ्रेट टू बिजनेस भी है जिस सहूलियत के लिए आपने मोबाइल खरीदा है जिस डिजिटल इंडिया का आप पार्ट होना चाहते हैं जो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करना चाहते हैं, वो सारी आपके हाथ से गई है, इसका ए, हमारे एक, पास एक कोई तो पासेशन नहीं मिल रहा। उपभोक्ता के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे अगर मेरा फोन ड्रॉप हो गया कॉल ड्रॉप हो गया तो एक तो प्रॉब्लम है कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और, तो और भी ज्यादा समस्या बढ़ जाती है कई बार तो कॉल कटती नहीं पर आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही तो कंपनी की तरफ से कॉल ड्रॉप नहीं हुई आप झुंझुलाकर खुद ही कॉल काटेंगे आपको चार बार कॉल मिलानी पड़ेगी और आप चार मिनट के पैसे देंगे जो बात आप पंद्रह सेकंड

रहनुमा जी आपसे सुनना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं फ़ेस हैं जी बोलिए आप किस तरह की समस्याएं फेस करती हैं? हाँ हैं मेरी एक इंडियन आई एस ए इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी है एंड uh, हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं इंडिया के बाहर भी इंडिया में भी बट प्रॉब्लम्स ये ही आते हैं कि उनके पेरेंट्स से कम्युनिकेशंस uh, होने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें जब हम कॉल मिलाते हैं बच्चे मिलाते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट uh, नहीं हो पाता कॉल ड्रॉप हो जाती है एक तो उनका पैसा भी जाता है और दूसरा उनके पेरेंट्स भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हमें भी ब्लेम करते हैं लाइक like, कि आप लेके गए दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कॉल ड्रॉप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ रही है ठीक है तो ये वो फे, वो, वो समस्याएं हैं जो लोग फेस कर रहे हैं आपको जोड़ना चाह रहे थे आकाश दो इम्पोर्टेंट चीजें दो तरीके से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए एक जो पैसा आपका खर्च नहीं हुआ वो कंज्यूमर को वापस करे कंपनी दूसरा आपको कॉम्पनसेशन मिले कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है आपने जो प्रॉमिस किया आप उसे ऑनर नहीं कर रहे और सबसे इंपॉर्टेंट बात टीआर का ये नॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दो एक्सेप्टेंस है तो इस कारण कॉल ड्रॉप की क्या परिभाषा है इसको बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा तभी आप मापदंड बना सकेंगे और कंपनियों को तौल सकेंगे कि आपको पूरा सर्विस मिल रही है, बहुत सारी एक, एक कंज्यूमर के तौर पर बहुत सारी परेशानियां झेलते होंगे बिल्कुल बहुत झेलते हैं और कभी कभी तो परेशानी इसलिए हो जाती है कि अगर कोई मरीज बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा बीच में तो वो इंटरप्ट हो जाती है और उससे जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसमें डिले में उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो ये हमारे लिए तो बहुत समस्या है ठीक है ये डिस्कशन जारी रहेगा क्योंकि ऐसी समस्या है जिससे करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। हाँ कौन हेलो हेलो कॉलो कॉल ड्रॉप से हम सब परेशान हैं और हमारे साथ इस वक्त है एसोचैम नेशनल टेलीकॉम काउंसिल के चेयरमैन टी वी रामचंद्रन जो कि इससे पहले सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी रह चुके हैं 12 साल तक इसीलिए आप सबके सवाल इनकी तरफ अब हम मुखातिब कर रहे हैं सबसे पहली बात जो कही जा रही है सरकार ये कहती है कि स्पेक्ट्रम खरीद खरीदने के लिए कंपनीज ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन टावर लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सफिशियंट पैसा नहीं लगाया गया है इसीलिए हम सब परेशान है कॉल ड्रॉप होते हैं रामचंद्र जी थैंक um, यू जी uh, ये बिल्कुल ठीक है कि नेटवर्क अच्छा चलने के लिए तीन चीज़ चाहिए स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम तो हम खरीद लिया उसके बाद ट्रांसमीटर टावर लगाना है उसी को टावर ही फ्रीक्वेंसी को वॉइस बदलता है वॉइस में बदल देता है ठीक है और uh, तीसरा चीज है ये टावर है तो ये नंबर ऑफ टावर्स चाहिए कई नंबर टावर चाहिए और वो भी वो करेक्ट लोकेशन में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम स्पेक्ट्रम दिल्ली के लिए खरीदे हैं और इसके लिए से हजार टावर चाहिए और वो हजार टावर हम कहीं भी लगा सकते हैं तब तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं जा पाएगा डॉक्टर जोशी अभी बिल्कुल साफ कह रहे थे कि मेरे बच्चों के लिए भी सेफ है अगर दो बातों का ध्यान रखा जाए कि सेल टावर सेलफोन टावर जहां भी लगाए एंटीना से कम से कम 25 फीट की दूरी हो और जितना की सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी ना हो आप ये वादा कर सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर कभी भी कोई भी सेलफोन कंपनी नहीं होने देगी क्या आप सेल कंपनीज की तरफ से कैन यू प्रॉमिस दैट हमें पूछ रहे हैं आप? जी।, हाँ जी।, हाँ जी हाँ जरूर ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि जो भी लिमिट हम फॉलो कर रहे हैं इस पर हम और भी बोलना चाहेंगे ये लिमिट जो है हम 100 परसेंट फॉलो कर रहे हैं एक सरकार चेक कर रही है गवर्नमेंट डीओटी ऑडिट चेक कर रही है हम भी चेक कर रहे हैं एक 100 परसेंट कंट्रोल में है और ये भी कहना चाहता हूं कि जो लिमिट हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया में वो लिमिट है दुनिया भर का लिमिट से वन टेंथ एक दस में एक बाघ जो कि बहुत सेफ है बहुत सही है मैंने खुद ने ब्रिटेन में देखा है कि वहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूएस में बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है पर आप उसका पालन कर रहे हैं लोग ये जानना चाहते हैं हाँ और ये भी जानना है आपको कि जो दुनिया भर का नियम है वो है वो इकन लिमिट बोला जाता है वो इकन लिमिट में बिल्टन सेफ्टी है पचास टाइम्स का ठीक है वो वो लिमिट में ही पचास गुना सेफ्टी मार्जिन है लेकिन इंडिया जब वन टेंथ क्या है इसमें पांच सौ गुना सेफ्टी मार्जिन है इससे एक टावर कहीं भी लग सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्पिटल में लग सकता है स्कूल में लग सकता है कहीं भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं एक बात और बात, और, बात है इसमें तो ऐसा कम करने से आपका असर पड़ता है कॉल ड्रॉप में भी क्योंकि हम इतना टाइट किया है इंडिया में क्योंकि पब्लिक का कहना था इसीलिए ये गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं था गवर्नमेंट बस एक लिमिट फॉलो कर रहा था लेकिन एक इतना वीक हो गया है कि सिग्नल फ्रिक्वेंसी बहुत वीक हो गया है वन टेंथ वीक इसीलिए कॉल और भी वीक हो जाता है ड्रॉप हो जाता है अच्छा एक आखिरी सवाल सरकार कह रही है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग अलाउ कर दी गई है और इसीलिए अब कॉल ड्रॉप की समस्या और भी कम होनी चाहिए क्योंकि एक जिसके पास स्पेक्ट्रम खाली पड़ा है वो दूसरों को हेल्प करने के लिए दे सकता है आ, भी अच्छी बात है आ, पहले आपको जानना है कि स्पेक्ट्रम जब इंडिया में दिया जाता है इंडिया में अगर अट्ठारह मेगर्ज स्पेक्ट्रम एक ऑपरेटर को दिया जाता है वही एवरेज है दुनिया भर का एवरेज है पचास यानी कि हम वन थर्ड हमारे पास है दुनिया भर का लेकिन हमारा सबसे उनसे ज़्यादा है आपको मालूम है और सेकंड चीज़ ये है कि ये लेगेसी फैक्टर है ये ऐसा नहीं है कि अभी का प्रॉब्लम है ये कुछ सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है डिफेंस का यूसेज है और ठीक करना है कई जगह पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन जब तक वो नहीं होता है स्पेक्ट्रम शेयरिंग अच्छा गाइडलाइन लाने से इसमें फ़र्क पड़ेगा इम्प्रूमेंट हो सकता है लेकिन जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग गाइडलाइन आया है उससे काफ़ी मदद नहीं मिलता है उसमें कई रेस्ट्रिक्शंस है जो इसको आप कह रहे हैं कि आप सरकार के सामने ये मामला रखना चाहेंगे कि रेस्ट्रिक्शन और कम किए जाएँ तो बहुत फ़ायदा हो सकता है हाँ जी स्पेक्ट्रम शेयरिंग का और रिव्यू हो सकता है तो अच्छा होगा क्योंकि कई फैक्टर्स हैं तीन चार फैक्टर्स हैं ये गाइडलाइंस में जो हमको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसमें अच्छा नहीं है, कर सके है। हमने से भी बात की थी और उन्होंने बहुत कड़ा संदेश दिया कुछ और चीजें हैं जो सरकार को समझने की जरूरत है कुछ चीजें बदली हैं लेकिन बहुत सारी चीजें बदलना बाकी है और साथ ही साथ सेल्युलर कंपनीज को यह भी देखना होगा कि वो वैल्यू दे रहे हैं हम जैसे कंज्यूमर्स को अगर हमारी कॉल नहीं लगी तो उसका पैसा नहीं लगना चाहिए रामचंद्र जी इस पर भी आप सोच रहे आ, ऐसा है कि जो कॉल जाता है और चार्ज होता है तो ज्यादातर सेकंड बिलिंग में होता है हर एक सेकंड का चार्ज है कॉल नहीं होता है तो चार्ज नहीं है अगर आप बात नहीं कर सकेंगे तो चार्ज नहीं होगा वो सिर्फ वो सेकंड्स का चार्ज है जो आप जब आप बात करते हैं तो इसमें शायद जबरदस्त पावर पॉइंट नहीं है इसमें। जाहिर है यहां भी कुछ और समझदारी की जरूरत है कंज्यूमर्स और डिमांड कर रहे हैं और सेलफोन कंपनीज को यहाँ पर भी विचार करना है ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बहस लगातार छेड़ते रहेंगे सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए नेटवर्क एटीन की मुहिम बात नहीं तो कॉल कैसे